मैं सबसे पहले आप सबको पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का है जिनके बलिदान से, जिनके प्रयासों से अपना भारत देश और भारत देश को आजादी मिली। और वहीं आज का दिन 15 अगस्त इस बात के लिए भी है जहां लाखों लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी, जिस संकल्प को लेकर के भारत को आजादी मिली, क्या भारत उसी रास्ते पर है कि नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं, पूरे धरती पर जितने भी देश हैं, इतनी अलग अलग जाति के, इतनी अलग अलग भाषा के, इतनी अलग अलग पहनावा, इतनी अलग अलग परंपराओं के साथ एक साथ इतने लोग कहीं नहीं रहते होंगे जितने भारत में रहते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से, कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत की जो पहचान है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज समाजवादियों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमारा भारत देश एक हो, हमारे भारत में रहने वाले लोग हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने वाले लोग हैं। और वहीं आज ये भी तय करना है कि हमारे देश का भविष्य क्या हो। कुछ लोग पुरानी बातों में उलझा करके समाज को बांटना चाहते हैं। आज हमारे देश के सामने, किसानों के सामने संकट है और हमें पहचानना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे अन्नदाता के अपमानित करने का काम किया है। जहां एक तरफ अन्नदाता अपमानित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें उलझाने के लिए अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान। अगर किसान और खेती बर्बादी हो गई तो हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। कोविड के समय पर हम लोगों ने देखा कितने अपने करीब लोगों की जान चली गई, हम लोग बचा नहीं पाए। जहां दवाइयों का अभाव था, डॉक्टरों का अभाव था, बिस्तरों का अभाव था, और जो दुनिया ने हमारी तस्वीरें देखी हैं कि लोग अपने आप सिलेंडर का इंतजाम कर रहे थे। वो ये जानते थे कि अगर सिलेंडर हमें मिल जाएगा तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जो सरकारें रही वो हमारे गरीबों को अनाज छोड़ दिया, उनको अपने सहारे पे छोड़ दिया, दवाई, बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे लोग की जान चली गई। आज दुनिया में हमारा देश इसलिए नौजवान है क्योंकि नौजवान ज्यादा हैं। आबादी, हमारे नौजवानों की संख्या बहुत है। उनके हाथ में अगर नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, उनको सही तरह की पढ़ाई नहीं होगी तो आखिरकार हमारे देश का भविष्य क्या होगा, इस पे भी हमें सोचना होगा। आज जब देश दुनिया के बराबर खड़ा होना चाहता है, यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के तमाम हमारे बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एक्सपर्ट्स, यहाँ के उद्योगपति चाहते दुनिया के बराबर खड़े हों, लेकिन जो सहयोग सरकार से होना चाहिए सरकार से नहीं मिल पा रहा है। ये सरकारें जो 7 साल से हैं सत्ता में, उत्तर प्रदेश में भी हैं, वो तमाम लोग दूसरे मुद्दों पर उलझाना चाहते हैं। सीमाओं के मुद्दों पर जो उन्हें मजबूती दिखानी चाहिए वो मजबूती सीमाओं पर नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। हम आप सब लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन एक एक नौजवान को जिम्मेदारी है कि वो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2022 का चुनाव वो अपना चुनाव समझे। क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया जनता के बीच में। संविधान में से खिलवाड़ हो रही है,
पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के, आजादी के 75 साल गुजर गए, 75वां हम लोग मना रहे हैं, और अभी भी संविधान ने जो अधिकार दिए हैं पिछड़ों को, दलितों को, हमें आकलन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें मिल पाया कि नहीं मिल पाया है। कभी कभी सवाल उठता है कि 1931 में कभी जाति जनगणना कराई गई थी, आज पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और हम समाजवादी लोग इसलिए चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से देखी है चीजें उत्तर प्रदेश में। यही सरकार में बैठे लोग जातियों के बीच में झगड़ा कराते हैं, कहते हैं आपका अधिकार, आपका सम्मान सब कोई और छीन रहा है। कभी इस जाति में ये कहना कि वो छीन रहा है, उस जाति में कहना वो छीन रहा है। इसलिए जब आज 15 अगस्त से पूरा देश आजादी के त्योहार की तरह मना रहा है, तो वहीं सरकार को भी यही फैसला लेना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी की जनगणना हो, और कम से कम हमें पता हो कि आबादी में हम क्या हैं, और जब कभी कोई पॉलिसी बने, कार्यक्रम बने, योजनाएं बने, वो हमें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये सब मैं एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए बधाई देता हूँ कि इतनी गर्मी, इतनी उमस, उन्होंने पसीने की परवाह नहीं की। मैं लखनऊ के कार्यकर्ता और पूरे प्रदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा आभारी है नेताजी का कि नेताजी आज आकर के 15 अगस्त का भारत का झंडा लहराया उन्होंने यहाँ पे पार्टी कार्यालय में। ये अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया था उसी रास्ते पे चल करके समाजवादियों का एक बार फिर झंडा बुलंद करने का काम हम लोग करें। और नेताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का सबका मनोबल बढ़ाने के लिए, और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद इसलिए 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, उमस है, गर्मी है, सबको पसीना है, सब पसीने में हैं, और अभी साइकिल चला करके देखी थी, कोई नौजवान या यहाँ ऐसा नहीं जिसने साइकिल ना चलाई हो, इसलिए साइकिल भी आने वाले समय में चले। मैं ये आदरणीय हेमंत सिंह जी का, आदरणीय किरण नंदा जी का और आदरणीय उदय प्रताप जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने आकर के आज हम लोगों के बीच में 15 अगस्त के बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर संकल्प लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जब तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा तब देश तरक्की करेगा, और समाजवादियों ने देश को उदाहरण दिए हैं कि सड़क कैसी बननी चाहिए, अस्पताल कैसा होना चाहिए, पुलिस के लिए गाड़ी कैसी होनी चाहिए, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप कैसा होना चाहिए, ये उदाहरण अगर कहीं दिए गए हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने दे करके दिखाए हैं। एक बार फिर हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।